नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में पीथमपुर में शनिवार को मौन जुलूस निकाला गया और जुलूस शहर के आजाद चौराहे से शुरू किया गया जो शहर के जयनगर होते हुए छत्रछाया कॉलोनी चौराहे पर पहुंचा, जहां मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। मौन जुलूस के बारे में बताते हुए संदीप रघुवंशी ने बताया कि कोलकाता शहर में पिछले दिनों हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ खौफनाक कांड ने युवाओं को अंदर तक झकझोर दिया है। इस कांड के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी सजा होनी चाहिए। इस हत्याकांड का विरोध और हत्यारों को फांसी देने की मांग लेकर मौन जुलूस निकाला गया जो छत्रछाया कॉलोनी चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हो गया। एवं राखी के अवसर पर अपनी बहन बेटी को कुछ देना चाहते हो तो उनकी रक्षा का वचन दीजिए, किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए। इस मौन जुलूस में शामिल सैकड़ों युवाओं ने छत्रछाया कॉलोनी के चौराहे पर कैंडल जलाकर मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वंशी वर्मा, परमेश्वर रघुवंशी, अर्पित नगर, चंचल रघुवंशी, अभिषेक रघुवंशी, ललितपाल, दिलीप मालीवाड़, प्रियांशु गौतम, हरिओम, मनीष मुकाती, केशव पटेल, उज्जवल रघुवंशी, अंकित रघुवंशी आदि मौजूद थे। मध्य प्रदेश पीथमपुर से संदीप सिंह जी राणा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।